नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं फिर से आपके लिए एक लेफ्ट ओवर राइस का रेसिपी लेके आई हूँ, भूटे को भात का रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक नेपाली डिश है, नेपाली क्यूजिन जो कि टिबेटियन क्यूजिन से इन्फ्लुएंस है। भूटे को मतलब फ्राइड, भात मतलब राइस। ये एक नेपाली वर्जन है फ्राइड राइस का। इसे आप अचार के साथ सर्व कर सकती हैं। काउंटलेस वेरिएशन के साथ ये होममेड डिश को बनाया जाता है। भूटे को भात नेपाल का मोस्ट पॉपुलर लंच आइटम है, पर इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कोई भी मील टाइम में आप सर्व कर सकती हैं। बच्चे जिन्हें चावल दाल सब्जी पसंद नहीं, उन्हें ये बहुत पसंद आता है। जब आपके पास टाइम नहीं तब इसे झट से तैयार कर सकती है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और पेट भी आपका पूरा भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस इजी सिंपल रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ लेफ्ट ओवर राइस, लगभग 1.5 कप के करीब होगा, और मुट्ठी भर में चना ले रही हूँ, देसी चना। एक मीडियम साइज का प्याज ले रही हूँ मैं, जिसे पतला पतला करके काट लिया है मैंने। मैं हरी मिर्च 2 ले रही हूँ, स्प्रिंग अनियंस थोड़ा सा ले रही हूँ, नमक आप डालें स्वाद अनुसार, और मैं कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो घी भी ले सकती है। गैस मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई में मैंने तेल भी रख दिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं पहले इसमें चना डाल रही हूँ। चना डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। चने को मैंने 5 मिनट रख दिया है ऐसे ढक के। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मैंने बॉईल चना नहीं लिया है दोस्तों, मैं रॉ चना यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो बॉईल करके भी डाल सकती है, ये मेरा वर्जन है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मैं फिर से इसे थोड़ा समय के लिए ढक के रख दूंगी। मैंने प्याज डालने के बाद 2-3 मिनट इसे ढक के छोड़ दिया था। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, मैं चेंज नहीं करती इसका कलर, बस कच्चापन चला जाए इसीलिए मैं थोड़ा समय के लिए वो कर रही हूँ। अभी मैं राइस डाल रही हूँ इसमें, इसे अच्छे से मिक्स कर ले आप, चला ले। मुझे भरोसा है कि आप लोग कभी भी लेफ्ट ओवर चीज़ वेस्ट नहीं करते, फेंकते नहीं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा। बस मैं कम फ्लेम में इसे 5 मिनट के लिए रख दूंगी। दोस्तों हमारा भूटे को भात रेडी है, नेपाली फ्राइड राइस रेडी है। मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सर्व कर लिया है। इसे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल, क्विक, इजी है। आप लोग जरूर ट्राई करेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल। कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन जरूर लिखिए। थैंक यू दोस्तों।